हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इन्वेंटरी लिस्ट कैसे बनाते हैं। एकदम प्रोफेशनल इन्वेंटरी लिस्ट बनाएंगे, और अगर आपको बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं भी आती तो भी आप बना पाएंगे, और मिनटों में बना पाएंगे, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। अच्छा, इसमें करना क्या है, हमको जाना है लेफ्ट साइड में। ये देखिए, फाइल टैब यहाँ पर हमको मिलता है, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर राइट साइड में आपको मोर टेम्पलेट्स का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है, ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो कुछ ऐसा पेज आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पर हमको जाना है सर्च में, ये रहा सर्च बॉक्स, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको टाइप करना है इन्वेंट्री लिस्ट, ठीक है। उसके बाद ये देखिए राइट साइड में सर्च बॉक्स यहाँ पर मिल रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो इसने सर्चिंग शुरू कर दी। अभी थोड़ी देर में आपके सामने बहुत सारे टैंपलेट आ जाएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि इस ऑप्शन को इस्तेमाल करने के लिए आपका कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी इन्वेंटरी के जो टैंपलेट है वो आ गए हैं। हम पहला वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए इन्वेंट्री लिस्ट विथ हाईलाइटिंग, ये है, इस पर हमने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सॉरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पेज पे आ जाएगा। ये देखिए आ गया। अब आपको बेसिक एडिटिंग करनी है, जैसे इन्वेंट्री में जो आईडी है ये चेंज करनी, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, जो जो भी चीज़ आपको यहाँ चेंज करनी है वो सब आप यहाँ चेंज कर लीजिए, कंपनी का नाम वगैरह चेंज कर लीजिए। उसके बाद आपकी इन्वेंट्री लिस्ट तैयार है।